सोलन में आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आए प्रवासी व्यक्तियों को राशन उपलब्ध करवाना है, ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के चलते प्रदेश में भूखा न रहे। इस योजना में कागजी कार्रवाई औपचारिकता मात्र होगी, जिससे पूरा कर प्रवासी मजदूर 5 किलो चावल और चने राशन के डिपो से ले सकते हैं। ये जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल्य ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार संकट के इस समय में देश व प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ खड़ी है, और किसी भी तरह से देश के नागरिकों का कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए जनहित में इस योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी प्रवासी मजदूर पैसे के अभाव में भूखा ना रहे, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उसे सरकार द्वारा 1 किलो काले चने और 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। जहां तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का संबंध है, जैसा आपने बताया, आत्मनिर्भर भारत योजना ये भारत सरकार ने अभी चलाई है, तो इसके अंतर्गत जो भी माइग्रेंट लेबर है हिमाचल प्रदेश में, जो लेबर है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनको 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो काला चना प्रति परिवार फ्री में दिया जा रहा है। ये स्कीम चालू हो चुकी है। हमने पिछले कल ही सभी वीडियोस को अनुरोध किया है कि सभी वीडियोस पंचायतों को निर्देश करें कि उनके पंचायत के क्षेत्र में जो भी मजदूर, प्रवासी मजदूर जिसका राशन कार्ड नहीं बना है वो रहते हैं, तो उनसे वो एक फॉर्म भरवाएं। फॉर्म सभी पंचायतों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मजदूर ये फॉर्म भरेगा, पंचायत के प्रतिनिधियों से उसको वेरीफाई करवाएगा, या नगर क्षेत्र में जो शहरी निकाय के जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो वेरीफाई करवाएगा, और इस फॉर्म को वो नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान में देगा। जैसे वो उचित मूल्य की दुकान में ये फॉर्म देगा, उसको उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न जारी कर दिया जाएगा। हमने सभी उचित मूल्य की दुकानों को ये आदेश दे दिए हैं कि जब भी मजदूर फॉर्म लेके पूरी तरह भर के उनके पास आएगा, तो तुरंत उसको 5 किलो चावल प्रति परिवार के, प्रति राशन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और 1 किलो काला चना प्रति परिवार के हिसाब से जारी करें।